शिक्षण शिविर के जरिए सपा तैयार कर रही है आगे की रणनीति। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है रणनीति। अखिलेश यादव ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोक जागरण यात्रा की शुरुआत हुई है। रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी लोगों को जागरूक करेगी। समाजवादी विचारधारा से बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश करेगी। हर जिले में आयोजित किए जाएंगे सपा के प्रशिक्षण शिविर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए लगातार समाजवादी जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए शुरुआत हो चुकी है, 2024 का आगाज कर दिया अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के साथ, और ये प्रशिक्षण शिविर जिसमें कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इसका कितना फायदा मिलता दिखेगा? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी है। अब देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोक जागरण यात्रा यानी इसकी जो शुरुआत है वो लखीमपुर में गोला गोकर्ण नाग से की गई है। दूसरे दिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। इस दौरान उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो विफलताएं हैं, क्योंकि लखीमपुर जो है वो पहले से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब हम लोगों को बूथ और सेक्टर को मजबूत करना होगा। अगर हमारा बूथ मजबूत होता तो पिछला चुनाव हम लोग जीत गए होते। यानी अखिलेश यादव को अब अपनी कमियां जो थी वो पता चल रही है पार्टी के अंदर, किस तरीके से जो लोगों की नाराजगी थी उनको दूर करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मंच पर नेता बैठते हैं उनका सम्मान करना है, और उसी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग थे जो पार्टी से दूर हो चुके हैं एक बार उनको फिर से पार्टी में वापस लाया जाए, सभी का सम्मान किया जाएगा। क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें उठती थी कि जो मुलायम सिंह यादव के समय के जो नेता थे वो अब समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों से ये समाजवादी पार्टी का जो रथ है वो गुजरेगा, और ये भी बताया जा रहा है। यही सवाल संदीप है कि सपा का रथ, बीजेपी का रथ जो कहीं आगे बढ़ चुका है, उसको रोकने में कितना कामयाब होगा आगे के लिए 2024 के लिए। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियों पर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और पता चल गई है जिसके बाद वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम तरीके की बातें थी जो सामने निकल कर आती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव उन बातों को सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं। और उनका कहना यह है कि सभी लोगों को अब समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। लखीमपुर में जिस तरीके से उन्होंने अपना संबोधन किया उसमें जब उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी तो वहां पर सिख समुदाय के भी जो लोग हैं उनका भी वो जिक्र करना नहीं भूले, और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से काम हो रहा है, वो चाहे कार्यवाहक डीजीपी को लेकर हो, वो चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे को लेकर हो, वो चाहे गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने बताया कि एक पहलवान किस तरीके से खिलाड़ियों पर बिल्कुल आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नोएडा से अगली खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है